परम आदरणीय दादी प्रकाशमणि जी की स्मृतियों के सागर में कौन स्नान करना नहीं चाहेगा। आदरणीय दादी जी जो न सिर्फ ईश्वरी विश्वविद्यालय के लिए परंतु तमाम संसार के लिए एक अद्भुत उदाहरण है, उनके जीवन की झलकियां जिन्होंने प्रत्यक्ष में अनुभव की जो उनके साथ रहे वो बहुत ही कीमती हैं। आज दादी जी की स्मृतियों के कार्यक्रम में हमारे साथ हैं परम आदरणीय उषा दीदी जी। उषा दीदी जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पिछले 35 वर्षों से समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रही हैं और उनके जीवन का बहुत बड़ा काल परम आदरणीय दादी जी के साथ गुजरा है। उनके पास बहुत सारी अनमोल स्मृतियां हैं दादी जी की। तो हम आइए उषा दीदी जी के पास चलते हैं और उनसे दादी जी की स्मृतियों के संस्मरणों को सुनना चाहते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं आदरणीय उषा दीदी जी का। दीदी नमस्कार। आपके जीवन का एक बड़ा कालखंड तकरीबन 25 साल आपने परम श्रद्धे दादी प्रकाशमणि जी के साथ गुजारे हैं। आपके पास अखुट स्मृतियां होंगी, लेकिन उस अखुट स्मृतियों में से वो कीमती स्मृतियां मैं चाहूंगा अपने दर्शकों को सुनवाना, जिससे कि वो जिन्होंने उनको देखा नहीं लेकिन अनुभव की नज़र से वो महसूस कर सकें वो क्या शख्सियत थी, वो कौन सी महान हस्ती थी जिसने इस सृष्टि रंगमंच पर अपना अद्भुत पाठ बजाया है। तो सर्वप्रथम मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब बिल्कुल शुरू में प्रारंभ में आपका उनके साथ प्रथम मिलन हुआ वो क्या था, उसकी क्या आपके पास स्मृतियाँ हैं जिनको आप कभी विस्मृत नहीं करना चाहती। प्रकाशमणि दादी जी सचमुच में इतनी महान हस्ती थी और उनके जीवन की जो सरलता थी, एक मात्र प्रेम जिसको कहा जाए वो देखते ही बनता था, या अनुभव जिसने किया है कि सचमुच में वो एक संस्था की एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के रूप में नहीं थी, लेकिन ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जैसे एक परिवार है तो परिवार की माँ के रूप में भी थी। मुझे याद आता है 1980 में मैं जब समर्पित हुई और दो तीन दिनों के अंदर की ही बात है कि बड़ी दादी जी जिस तरह से हमें सिखाने के भाव से कहती थी क्लास के समय कि उषा आओ तुम कुछ सुनाओ। अच्छा। मुझे इतना कॉन्शियस होता था, बड़ी दादी बैठी है सामने, सभी दादियां होती थी तो मेरी हिम्मत नहीं होती थी, मैं मना कर देती थी कि दादी मैं नहीं सुना सकती हूँ। मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैंने जो यहाँ ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कुमारियों की ट्रेनिंग चलती है, मैंने ऑफिशियली वो ट्रेनिंग नहीं किया है, लेकिन मुझे जैसे एक पर्सनल कोचिंग के रूप में दादी जी ने फिर कहना शुरू किया कि अच्छा कल सुबह के क्लास के समय तुम सहनशीलता पर बोलना, 10 मिनट सुनाना कुछ भी। और मैं सारा दिन जैसे तैयारी करने लग जाती थी कि दादी ने मुझे कहा है कि 10 मिनट मुझे बोलना है, 10 मिनट मुझे बोलना है। और सचमुच दूसरे दिन सुबह में क्लास के पहले दादी जी बुलाती थी कि आओ अभी तुम सुनाओ। ऐसे हर रोज मुझे कोई ना कोई डिवाइन क्वालिटीज के ऊपर, मूल्यों के ऊपर जैसे बोलने के लिए वो बुलाती थी। और मेरा जो स्टेज फियर था, मेरे अंदर जो नर्वसनेस की फीलिंग थी, कॉन्शियस हो जाती थी, वो सारी चीज अगर मिटाई हो तो बड़ी दादी जी ने मेरे जीवन से मिटाई। और हर रोज जैसे मेरे अंदर चिंतन करने की प्रैक्टिस डाली कि कैसे मैं ज्ञान का चिंतन करूं, ये मुझे सिखाती थी बाद में भी कि ये चीज जब बोलते हैं ना तो उसमें कुछ ऐसा उदाहरण जोड़ो, उसमें कुछ ऐसी बातें जोड़ो जो वो चीज को खाली ऐसा ना लगे सीधा सीधा और रुखा सुखा ना लगे, लेकिन उसमें और कैसे। फिर वो सुनाती थी रात्रि के समय में जब हम बैठते थे तो सुनाती थी बाबा हमको कैसे ट्रेनिंग देता था।
और बाबा की बातें सुनाती थी। इस तरह से मैंने देखा कि दादी जी ने जैसे मेरे ऊपर शुरू से एक पर्सनल अटेंशन दे करके मुझे जैसे आगे बढ़ाया। जैसे पहले ही उन्होंने साक्षात्कार कर लिया था कि भविष्य में इसको क्या पार्ट बजाना है, उस हिसाब से। कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसा अनुभव जिसने आपके दिल पे एक ऐसी छाप लगा दी हो, जिसकी वजह से दादी जी बिल्कुल घर कर गई और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आपने संपूर्ण रूप से अपने आप को अर्पित करने का निर्णय कर लिया हो। मुझे एक इंसिडेंट याद आता है कि शुरू शुरू की बात है कि जब योग शिविर के लिए मुझे दादी जी ने रखा था कि आप शिलू बेन के साथ रहो और सीखो कैसे कराते हैं, तो मैं रोज़ उनके साथ जाती थी और टेप बजाती थी। उस समय पांडव भवन में ज्ञान विज्ञान भवन के एक हॉल के अंदर योग शिविर चलती थी। 50 लोग भी आ जाते थे तो लगता था बहुत बड़ा ग्रुप आ गया, ऐसे खुशी होती थी। तो मैं टेप बजाती थी, सुनती थी सारा लेक्चर, शिलू बेन कैसे लेक्चर देती है, कैसे करती है। तो एक समय रात्रि क्लास जब पूरा हुआ, लगभग 10 बजा था, तो मैं टेप रखने गई। टेप रखने गई तो उस समय योग शिविर में कोई व्यक्ति जो मानसिक रूप से अस्वस्थ था वो आ गया था। जो भाई लाया था उनके मन में एक ही शुभ भावना थी कि ये मेरा परिवार का जो सदस्य है जो मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गया है, हो सकता है कि ये वातावरण में आने के बाद, मेडिटेशन सीखने के बाद उसके अंदर परिवर्तन आ जाए। तो जब मैं बाहर निकली कमरे से वो रख करके, तो मैंने देखा कि उसके हाथ में हमारे पूरे बिल्डिंग का चाबी का गुच्छा था। अच्छा। तो वो ले करके कहीं जा रहा था। तो मेरे मुख से अचानक निकल गया कि भाई साहब आप ये कहाँ लेकर के जा रहे हो। तो मुझे तब तक ये मालूम नहीं था कि मानसिक अस्वस्थ होऊंगा। तो उसने मेरे को कहा मेरी एक कोठी है यहाँ पर। अच्छा। और मैं वहां जा रहा हूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना है। मैंने कहा अभी रात को क्यों जा रहे हैं, सुबह जाना आप, है ना। तो कहने लगा नहीं नहीं मैं अभी जाऊंगा और आप भी साथ में चलो। मैं बहुत डर गई क्योंकि उस समय मैं करीबन सिर्फ 19 साल की होगी और बहुत यंग एज में थी, और मेरा पहला जैसे कि ये एक्सपोजर था ब्रह्मा कुमारीज के अंदर। तो इसीलिए जो है, जब उसने कहा मैं आपको भी ले जाऊंगा, और उसने मेरा रास्ता रोक करके अपनी पेटी में से सोने की चेन निकाली, और जैसे वो मुझे पहनाने के हिसाब से सामने आ रहा था तो मेरे हाथ पैर एकदम कांपने लगे और मैं जैसे बाबा को जोर से पुकारा, ओ बाबा, ऐसे करके मैं पुकारा। तो उतने में देखा कि कोई भाई वहां आ गए, तो उसको देख करके वो तुरंत सब छोड़ करके वहां से भाग निकला। लेकिन मेरे अंदर जो डर बैठ गया, इतना मैं डर गई थी कि मेरे हाथ पैर जो कांप रहे थे, इतने कांप रहे थे, और मेरा रोना बंद नहीं हो रहा था, इतना मैं रो रही थी। किसी ने दादी जी को रात को बताया, 10 बजे दादी सोने जा ही रही थी, 10:30 बजे, तो कहा कि ऐसा ऐसा हुआ और उषा बेन बहुत डर गई है और वो बहुत रो रही है। मैं 19 साल की कन्या ही तो थी, छोटी सी। तो दादी ने कहा ले आओ उसको, अभी ले आओ। तो जैसे ही मेरे को सामने कहा कि दादी आपको याद कर रही, चलो दादी के पास। मैं दादी के पास गई और दादी ने जो मुझे एक जैसे छोटे बच्चे को गोद में ले लेते हैं, गोद में ले करके जैसे अपने सीने से लगा लिया, और मेरा रोना तो इतना अधिक हो गया। और मेरे को दादी ऐसे अभी तुम दादी के पास में हो ना, अभी कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। और इतना दादी का वो जो एक वार्म्थ था, एक प्यार था, एक मात्र प्यार जिसको कहा जाए, इतना अधिक था कि मुझे ये महसूस हुआ कि मैं बहुत सिक्योर्ड हूं। मुझे इतनी सिक्योरिटी की फीलिंग आई कि इस संस्था के अंदर मुझे जीवन में कभी डरने की बात ही नहीं है।
मेरी जीवन बहुत सुरक्षित है, मैं बहुत सुरक्षित हाथों में हूँ। इतना दादी ने प्यार बरसाया, प्यार बरसा। दूसरे दिन सुबह में भी क्लास के बाद पुनः दादी ने बुला करके जैसे सिर के ऊपर से हाथ फेर करके इतना प्यार किया, इतना प्यार किया, जो पहली छाप मेरी कि वो डर मेरे जीवन से ऐसा गायब हो गया जो मुझे पता ही नहीं कि वो डर उसके बाद दोबारा आया नहीं मेरे पास में। जैसे मातृत्व के इस सच्चे स्वरूप को जीवन में अनुभव करना ये बड़े सौभाग्य की बात है। और दादी जी का ये जैसे एक नेचुरल गुण बन गया था, भगवान से उन्होंने, बाबा से उन्होंने इस तरह से इस चीज़ को ले लिया था और खुले दिल से बांटा है, जिसकी वजह से आज अनेकों के पास ऐसे अनुभव हैं। और हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं, दीदी जैसे अपने अनुभव में बता बता रहे रहे हैं हैं कि जी। किस इस तरह तरह से से दादी दादी जी जी ने ने बाबा का प्रत्यक्ष अनुभव उनको कराया, या मात पिता के रूप में हम जो गायन करते हैं भगवान का, जब हम ये कहते हैं कि तुम्हें माता शपिता तुम्हें वे, तो हम इस बात को कह करके निर्भय हो जाते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं कि ईश्वर हमारा मात पिता है। और यहाँ पर दादी जी के साथ में बिल्कुल यही महसूस था, मुझे अनुभव हो रही है दीदी के बताने से, कि उनको भी उस वक्त ये लगा कि माता शपिता बंधु च सखा वो बिल्कुल सब इस समय बिल्कुल। मेरे सामने है और उसने मुझे और गोद में ले शायद मुझे लिया। ये भी फीलिंग आई कि जो दादियां शेयर करती हैं कि बाबा का प्यार कैसा था, तो ये वो प्रैक्टिकल उसकी मूर्ति थी। बाबा जैसे ही वो एक प्रैक्टिकल मूर्ति थी। और दादी जी के साथ आपने बताया कि उन्होंने आपको सिखाया भी, जी भाषण भाषण करना भी जी। सिखाया, और आप आप यज्ञ में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में देश विदेशों में मशहूर हैं कि आपने स्ट्रेस मैनेजमेंट के जो कोर्सेज कराने का ट्रेंड जी शुरू जी किया एक एक तरीके से, वो आपके जरिए शुरू, वो उसके बारे में आपकी क्या स्मृति है दादी दादी के के साथ? साथ ऐसा है कि जो स्ट्रेस मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट की जो ट्रेनिंग्स है, मैं जब मधुबन में थी तो उस समय मेरे को कोई इरादा नहीं था कि मैं कोई ये फील्ड में जाऊं, स्ट्रेस मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट के फील्ड में जाऊं। मैं सोचती थी कि मेरी कोई योग्यता नहीं है, मेरा इसमें कोई रुचि नहीं है जो जाना है मुझे। और मैंने सोचा मेरा जीवन में कोर्स कराना है, कोई गेस्ट आए उसको अटेंड करना है, या योग शिविर कराना है। यहाँ तक सीमित मैंने अपने आप को कर लिया था। जैसे ही विदेशी भाई बहने आए और उन्होंने ज्ञान सरोवर में ये ट्रेनिंग रखी थी, तो उस समय दादी जी ने एक दिन सहज भाव से मुझे बुला करके पूछा कि उषा, तुमने ये ट्रेनिंग के लिए अपना नाम रजिस्टर कराया? मैंने कहा, नहीं दादी, मैंने नहीं कराया। तो कहा, तुम कराओ। मैंने कहा, दादी, अभी तो रजिस्ट्रेशन उनका फुल हो गया है, और रजिस्ट्रेशन के हिसाब से ही उन्होंने फाइलें भी बना दिया है। अब जब रजिस्ट्रेशन क्लोज हो गया तो उनकी फाइल, एक्स्ट्रा फाइल भी नहीं होगी उनके पास में जो मेरे लिए, मुझे प्राप्त होगी, और ना मेरा रजिस्ट्रेशन होगा। तो दादी ने उसी समय कहा, अच्छा ऐसी बात है। उसी समय शशि बहन को बुला करके कहा कि देखो, मधुबन की तरफ से ये बैठेगी ट्रेनिंग में, उसका नाम रजिस्टर नहीं हुआ है, लेकिन दादी जी कहती है उसका नाम रजिस्टर करो, और उसके लिए फाइल पूरी होनी चाहिए, मिलनी चाहिए उसको। दादी जी का पर्सनल पर्सनल इंटरेस्ट हो गया। इंटरेस्ट था जैसे एक प्रकार से, कि नहीं, तुम्हें जाना ही है और ये ट्रेनिंग करना ही है। ठीक है, दादी जी की खुशी के लिए मैंने सोचा मैं ये ट्रेनिंग कर लूँ। तो मैं जैसे जा करके उस ट्रेनिंग में ऐसे ही जैसे बैठ गई, मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट तो था नहीं, तो ठीक है, दादी ने कहा है तो मुझे बैठना है, करके मैं बैठ गई। मैंने कोई इतना कॉन्सेंट्रेशन से, ध्यान से सुनी नहीं बातें। ठीक है, जो कहा गया था तो मैं कुछ नोट्स ले रही थी, कि जैसे ऊपर से कुछ जा रहा था ऐसे। जैसे ही मैं घर में आई शाम को, तो दादी ने पूछा कि अच्छा ये बताओ, आज सारे दिन में वहाँ पर क्या सिखाया गया? अब मैंने इतना ध्यान से सुना ही नहीं था, क्योंकि मुझे ये अंदाजा ही नहीं था कि दादी मुझे पूछेगी कि क्या सिखाया गया। तो खैर, जितनी बातें मुझे याद थी उस समय तो मैंने बता दी, लेकिन दूसरे दिन से मैंने सोच लिया कि इसका मतलब दादी जी मुझे हर रोज पूछेगी कि वहां क्या सिखाया जा रहा है। तो मैंने बाकायदा नोट्स लेना शुरू कर दिया,
और वो नोट्स लेने के साथ साथ जो है मैं ध्यान से हर बात सुनने लगी। सारी ट्रेनिंग पूरी हुई और पूरी होने के बाद ही मैं समझती हूँ एक सप्ताह के अंदर ही गोदरेज का डायरेक्टर आया था, गोदरेज कंपनी का डायरेक्टर आया था। तो दादी जी के साथ वो मिल रहा था, तो दादी जी ने उसी समय मुझे बुलाया और कहा उषा बहन आओ, बिठाया मुझे बाजू में और वो गोदरेज के डायरेक्टर को कहती है कि ये हमारी बहन जी है ना, ये बहन जो है हमारी, ये इसने मैनेजमेंट ट्रेनिंग किया है और ये मैनेजमेंट कराती है। मैं दादी जी का चेहरा देखूं, मैंने अभी तक कोई ट्रेनिंग नहीं कराई है और ये दादी क्या कह रही है। वो भाई बड़ा खुश हो गया कि चलो हम तो ढूंढ ही रहे थे कैसे स्पिरिचुअलिटी को लेकर के कोई ट्रेनिंग कराए, तो कहा कि हाँ ये नागार्जुना में भी रह करके आई है और जो है यहाँ पर भी उसने ट्रेनिंग किया और अच्छी कराती है, बड़ी महिमा किया। तो वो डायरेक्टर ने सोचा कि चलो हमारे कंपनी में आप आओ और ट्रेनिंग कराओ, 3 दिन की ट्रेनिंग कराओ। दादी जी ने उस समय, मैंने दादी जी को कहा दादी जी, तो कहा नहीं तुम जाओ जाओ, और 3 दिन के बाद दादी भी वहां आएगी। अच्छा, क्लोजिंग पर दादी भी वहां पहुंचेंगी। इसका मतलब मुझे इतना अच्छे से कराना था ताकि दादी जी लास्ट सेशन में अगर वहां पहुंचेगी तो दादी जी को फीडबैक मिलेगा कि कैसा रहा। मैंने रात रात जाग करके नोट्स बनाई, सारा प्रिपरेशन किया और फिर दूसरे दिन मैं ट्रेनिंग के लिए गई। 3 दिन मेरे पास था, 3 दिन जाग करके मैंने नोट्स बना करके पूरी किताब जैसे तैयार किया और मैं गई वहाँ ट्रेनिंग कराने। ट्रेनिंग कराने के बाद जो है मेरे को लास्ट डे, जैसे लास्ट सेशन में दादी जी आई, दादी जी ने इतना ध्यान से हर एक का फीडबैक सुना, लास्ट सेशन फीडबैक का था तो इतना ध्यान से सुना, और दादी जी को उसमें पता नहीं क्या महसूस हुआ या मेरे प्रति क्या भाव जागृत हुआ कि दादी जी को लगा कि नहीं इसके अंदर ये योग्यता है। दादी ने मेरी योग्यता को परख लिया, मेरे अंदर की जो क्षमता थी उसको परखा, और उसके बाद दादी जी ने मुझे हर एक को, हर एक ग्रुप्स जो अकाउंट्स का आता था तो सभी बहनें नीचे बैठी होती थी जब तक उनका नंबर आए अकाउंट्स के लिए, तो दादी कहती वो बैठे क्या करेंगी, ऐसा करो तुम जाकर उन सबको सिखाओ, ये चीज कराओ, मधुबन वालों को करा, माना इतनी प्रैक्टिस करवाई जिसको कहे पॉलिश करना, और इतना पॉलिश करके मुझे ऐसा योग्य बना दिया कि आज मेरे नाम के साथ वो जुड़ता है कि उषा बेन SML। सही बात है ना। चाहे मैंने उसके बाद ट्रेनिंग कराई सब बहनों को, आज कितनी बहनें करा रही है, लेकिन ये नाम जो जुड़ा है वो दादी जी के कारण ही जुड़ा। इससे तो ऐसा स्पष्ट लगता है जैसे दादी जी न सिर्फ आत्मा की योग्यता को पहले परख लेती हैं, आत्मा को खुद, व्यक्ति को खुद ये नहीं पता कि मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन दादी जी को ये ईश्वरीय गिफ्ट था या उन्होंने बाबा से ये सीखा, जैसे बाबा भविष्य का योजनाकार था ऐसे साक्षात दादी जी भी भविष्य की योजनाकार थी। नहीं, और उसके बाद दादी जी रात्रि के समय जब हम जाते थे दादी के पास गुड नाइट करने के लिए, तो दादी जी बुलाकर, कभी कभी दादी जी को ऐसा एक लहर आ जाती थी और कहती थी बैठो अब मैं तुम्हें सिखाती हूँ बाबा की मैनेजमेंट क्या होती थी। अच्छा। तुम जब सुनाती हो ना ये बात कहीं भी जोड़ लो, है ना, ये बात कहीं भी जोड़ लेना कि कैसे बाबा मैनेज करता था, बाबा कारोबार को कैसे चलाता था, वो चीजें बैठ करके सुन। तो हमें देख करके जैसे दादी जी को बाबा बाबा की मैनेजमेंट याद आ जाती थी, और वो चीजें भी जैसे इनपुट के रूप में मुझे पर्सनल जैसे कोई दे रहा हो कि ये बातें सुनानी चाहिए, ये बातें कहनी चाहिए, और इतना इसलिए मेरे अंदर वो चीज ऐसी समा गई कि जैसे मेरे जीवन का एक हिस्सा ही बन गई, कि मेरे नाम के साथ ये बात जुड़ गई कि उषा ऐसे मिल। कौन सी उषा? ऐसे मिल उषा, ऐसे मिल उषा। तो मतलब दादी जी तो एक तरह से व्यक्ति की रचनाकार हो गई, उनको पहले से ही और इतना निश्चय व्यक्ति में हो जाता था कि ये कर सकता है, क्योंकि इतना इन्वेस्टमेंट करना, इतनी एनर्जी लगाना,
फिर उसके पीछे ख्याल रखना। ये भी आप अनुभव शेयर कर रहे थे कुछ दिन समय पहले कि दादी जी आपके जाने के बाद भी आपका ख्याल रखते हैं। जी इतने बड़े जी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका होने के बाद एक एक व्यक्ति का ध्यान रखना इतना सहज उस नहीं है। समय मेरे को याद है कि हम मधुबन निवासी करीबन 350 350 मधुबन निवासी प्लस ज्ञान सरोवर निवासी, माना टोटल निवासी अगर देखा जाए तो करीबन 700-800 थे हम लोग उस समय। तो हर हर रोज कोई ना कोई बाहर जाता था, आता था, दादी जी को बोल के जाता था, यहाँ जाता हूँ, इतने दिन में आऊंगा या इतना दिन। तो इसी तरह मैं भी जब जाती थी तो दादी जी को बोल के जाती थी कि दादी जी मैं फलानी जगह जा रही हूँ, वहाँ ये कंपनी में प्रोग्राम है और मुझे निमंत्रण मिला है, सारा मैं समाचार सुना करके मैं 3 दिन के लिए जा रही हूँ। तो ऐसे ही मैं एक बार बड़ौदा जा रही थी, और जब बड़ौदा गई तो मैं उस समय ट्रैवल्स में यहाँ से गई, तो मैं दादी जी को बोल के गई 3 दिन के लिए जा रही हूँ, 3 दिन के बाद मैं आ जाऊँगी। दादी जी ने कहा, भले, छुट्टी दिया बहुत प्यार से। तो जब मैं बड़ौदा में 3 दिन की ट्रेनिंग कराने के बाद जो है, एक दिन वहाँ के भाई बहनों ने मुझे कहा कि आप आए हो बहन जी, हमने एक प्रोग्राम रखा है, बहुत बड़ा प्रोग्राम है, और आप ये प्रोग्राम में जरूर हाजिरी दो, है ना, कल सुबह में आप चले जाना। मैंने कहा ठीक है। मैंने उस समय समझा ही नहीं कि मुझे दादी जी को इन्फॉर्म करना चाहिए। मैंने सोचा कि चलो मैं जाने के बाद दादी जी को बता दूंगी कि ऐसा ऐसा प्रोग्राम था, इसलिए मैं रुक गई, आज नहीं जाना आज तो कल नहीं चले जा, कल जाएंगे। चली जाऊंगी, ऐसे करके मैं रुक गई। अब 24 घंटा मैं रुक गई, और जैसे ही मैं आई तो दादी जी आंगन में बाहर खड़ी थी, और जैसे मुझे देखा मुझे बुलाया और मुझे कहने लगी, तुम कब आने वाली थी और आज कौन सा दिन है? मैंने कहा, दादी जी मैं 3 दिन का कह के गई थी, 24 घंटा लेट आई। तो कहा, तेरे को पता है दादी जी को रात भर नींद नहीं आई। मैंने सोचा, मैंने अंदर में सोचा कि दादी जी को इतने भाई बहने जाते रहते हैं, याद रहता होगा कि भाई कौन कितना दिन का बोल के गया। मैंने स्वाभाविक रीति से दादी को पूछ लिया कि दादी मैंने सोचा आपको याद ही नहीं होगा, आप भूल गए होंगे, तो मैंने सोचा मैं जाने के बाद आपको बता दूंगी कि एक दिन मैं वहां ठहर गई थी, प्रोग्राम था। तो दादी ने कहा, अरे कोई कन्या बाहर जाए और दादी जी भूल जाए उस बात को, ये हो सकता है? मुझे 24 घंटे की चिंता रही कि ये 24 घंटा लेट क्यों आई। पता है रात भर में सो नहीं पाई कि तुम गई हो, तुम आई क्यों नहीं, ऐसा क्या हो? क्योंकि उस समय तो मोबाइल फोन्स का सही जमाना नहीं था, तो नेचुरल है कि भाई ट्रंक कॉल बुकिंग कराओ, तब जा करके लगता था। तो मैंने वो समझा नहीं कि ये सब मैं करके बता दूं दादी को। तो दादी को रात भर चिंता रही कि ये 24 घंटा लेट क्यों आई, ये कहाँ चली गई। मना इतना जिसको कहे कि आज कोई भी संस्था के एडमिनिस्ट्रेटर्स जो होते हैं, भाई कौन कहाँ गया, कब आया, कोई मतलब नहीं। आज के समाज में तो जो माँ बाप हैं लौकिक में भी संसार में भी हाँ वो भी इतने ध्यान पे नहीं रखेंगे कि भाई चलो आ जाएंगे। जी, और उसके बाद मैंने इतनी पक्की गांठ बांध ली कि कोई मुझे कितना भी कहे कि इतना बड़ा प्रोग्राम है आप प्लीज रुक जाइए, मैं नहीं रुकती हूं। मैंने जो डेट बताई उसी डेट पर मुझे पहुंचना ही है, ये मेरा पक्का, उस दिन से मैंने जो गांठ बांध लिया कि मैं जिस दिन का बोल के जाती हूं उसी दिन पर उसी टाइम पर मैं। ऐसे निर्मल और निश्चल प्रेम को सुन के ही मेरे शरीर में रोम खड़े हो रहे हैं और मैं महसूस कर रहा हूँ कि वो क्या फीलिंग थी, वो क्या एहसास था, वो क्या समय था जिसमें इन महान हस्तियों ने वो प्रेम का सागर लुटाया है, अखुट लुटाया है। यहाँ मुझे एक बहुत अच्छी बात याद आ रही है कि जब मैं शुरू शुरू में आई थी तो मुझे यहाँ का खाना अच्छा नहीं लगता था, नेचुरल है ना, चटपटा खाने की आदत पड़ी होती है, तो यहाँ का जो खाना एक तपस्वी लोगों का खाना होता था तो सादा मुझे बिल्कुल खाना अच्छा नहीं लगता था। जो टोली डिपार्टमेंट होता है तो वो एक बहन संभालती थी, तो मैंने उससे दोस्ती कर ली,
और मैं क्या करती थी, खाना मुझे भाता नहीं था तो मैं है ना ना खा करके वहां उसके पास चली जाती थी और कुछ भी मुरमुरा या चिवड़ा आदि कुछ भी खा करके अपना पेट भर लेती थी। अब ये बात किसी ने नोट कर ली, सही। ये समाचार पहुंच गया दादी के पास में कि दादी वो खाना नहीं खाती है, रोज जाकर के टोलियां खा लेती है। बहुत छोटी थी मैं उस समय, तो जब मेरी शिकायत हो गई तो एक दिन दादी ने मेरे को फोन किया, मैं माना इंटरकॉम जो चलता था उस समय, तो वहाँ योग भवन में थे योग शिविर के लिए, तो दादी ने वहाँ फोन करके कहा कि उषा है, तो वो भाई ने कहा है, बोले उसको दो फोन दो। तो जैसे ही मैंने पकड़ा, दादी ने कहा तुमने भोजन किया? मैंने कहा नहीं अभी बाकी है। तो कहा तुम है ना भोजन से पहले हमें मिलना। दादी ने उस दिन भोजन नहीं किया, अच्छा मैं 2:30 बजे वहां से आई तो दादी दोनों दादी बाहर खड़ी रहे, दादी दीदी दोनों ही बाहर खड़ी रही आंगन में। जैसे मेरे को देखा बोले इधर आओ इधर आओ, खाना खाया नहीं ना? मैंने कहा नहीं खाया। दादी ने कहा कि ऐसा है आज तेरा भोजन है ना हमारे साथ है। अच्छा और दादी ने उस दिन मेरे लिए पानी पूरी भेल पूरी अरे पता वाह नहीं क्या क्या बनाया था, वाह इतनी आइटम बनाई थी, इतनी गुजराती आइटम्स बनाई थी। कहा मेरे को पता है गुजराती लोग जब आते हैं ना उनको भोजन यहाँ का अच्छा नहीं लगता है, चटपटे खाने के आदत ही होते हैं ना, तो आज देखो इतनी सारी आइटम मैंने तेरे लिए बनवाई है। मैंने वाह कहा मेरे लिए? तो कहा आज तेरे को है ना दादी और दीदी के साथ भोजन करना है। मैं संकोच करूं कि मैं कैसे बैठ करके दादी दीदी के साथ भोजन करूंगी, फिर भी मैं बहुत संकोच करते हुए बैठी बैठी। तो इधर से दादी एक पानी पूरी का वो बना करके, पूरा पानी पूरी बना करके रखे, इधर से दीदी भेल पूरी रखे, खाओ खाओ है ना, मैं जैसे अकेली खाऊं और वो मुझे परोसते रहे। फिर मैंने कहा कि दादी आप लोग भी खाओ, तो कहा नहीं दादी थोड़ी ये खाएगी, तुम्हें खाना सही। पसंद नहीं है ना यहाँ का। तब दादी ने खोला राज, तुम्हें यहाँ का खाना पसंद नहीं है ना, इसलिए आज दादी ने तेरे लिए ऐसा, तुम रोज टोलियां खाते हैं, टोलियां क्यों खाने की, तुम मुझे बता देती थी, मैं रोज तेरे लिए नई नई चीजें बनवाती थी। तब मुझे महसूस हुआ ये मेरी शिकायत हुई है ना। उस दिन के बाद मैंने दादी जी के सामने मेरा कान पकड़ा और मैंने कहा दादी आज के बाद मैं यज्ञ का भोजन का कभी डिसरिगार्ड नहीं करूंगी, और उसके बाद यज्ञ का कोई भी भोजन कैसा भी भोजन हो मैं उसको स्वीकार करना है। तब से लेकर मैंने खाना शुरू कर दिया, उसके बाद मैं कभी जा करके टोलियां खाई हो नहीं, माना इतना कौन बच्चा नहीं खा रहा है, माना इतना ध्यान कौन रखेगा। मैं आपको बताऊं एक माँ ही बच्चे का ध्यान रख सकती है, ऐसी पालना मुझे मिली है। तो दादी दीदी दोनों बैठ करके कहा नहीं तुम्हें तुम्हें है ना रोज हमारे साथ खाना है, फिर हम देखते हैं ना तेरे को कौन सी चीज नहीं पसंद, तेरी पसंद की चीज बना के देंगे। अच्छा मैंने कहा नहीं दादी अभी मैं रोज खाऊंगी, अभी ये शिकायत दोबारा आपके पास नहीं आएंगी। माना अगर किसी चीज की शिकायत आए और दादी डांटे नहीं, नहीं हो सकता। कोई ना कोई ऐसी युक्ति, कोई ना कोई युक्ति ऐसा। से उस व्यक्ति को रियलाइज भी हो जाए कि उसने क्या गलती किया है, और रियलाइजेशन के साथ उनके अंदर एक चेंज ले आना बहुत बड़ी बात है ये। बेहद बेहद सुकून और बेहद गहराई में ले जाने वाली ये स्मृतियां हैं। दादी जी की स्मृतियों का समंदर इतना गहरा है, इतनी मौजें हैं उसमें कि इंसान लहराता रहे लहराता रहे, और दिल चाहता रहे कि इसमें हम तैरते रहें, डूबते रहें, मजे लेते रहें। एक प्रश्न मेरे दिमाग में इस समय आ रहा है। अब साक्षात दादी जी हमारे साथ नहीं है, स्मृतियां हैं, उनकी यादें हैं, उनके साथ के बिताए हुए पल हैं। अब इस घड़ियों में हम क्या फील करते हैं, उनकी अनुपस्थिति में हम अपने आप को कैसे आप फील करते हैं? दादी जी की कई बातें मुझे याद आ जाती है, कभी कभी मैं एकांत में बैठी होती हूँ याद आती है, और मुझे
जब दादी जी अपने अंतिम दिनों में थी, तभी की भी बात एक बार याद आती है कि एक बार मैं समझती हूँ 2 साल पहले की बात होंगी, दादी जी ने शरीर छोड़ा उसके पहले, 2 साल पहले की बात है। तो दादी जी मुरली सुना रही थी, जब मुरली सुना रही थी तो दादी के सामने बुजुर्ग माताएं बैठी थी मुरली क्लास में। तो दादी जैसे पूछती थी, ए बुढ़िया समझा तुमने, ऐसे करके पूछ रही थी। तो मुझे हंसी आ गई, है ना, कि देखो मैं समझती हूँ कि नीचे जो माता बैठी है उससे ज्यादा बुढ़िया दादी है, लेकिन फिर भी दादी उसको कह रही है बुढ़िया समझा तुमने, है ना। तो जब क्लास पूरा हुआ तो मैंने दादी जी को कहा, दादी जी आपकी एज उससे ज्यादा थी, वो तो आपसे बहुत कम एज की लग रही अच्छा थी, तो आप उसको बुढ़िया बुढ़िया कर रहे थे। तो दादी कहती है मैं बुढ़िया थोड़ी हूं, मैं कन्या हूं। क्या सुमान था दादी का, वो देखने जैसा था कि मैं बुढ़िया नहीं हूं, मैं कन्या हूं। क्या बात। क्या सेल्फ रिस्पेक्ट था दादी का कि मैं कन्या हूं, ये बुढ़िया है ना, वो शादीशुदा है, बुढ़िया है ये। मैं अभी तक मेरे अंदर वो कन्या का जो एक ये रहता है वो मेरे अंदर है ऐसा। तो ये जैसे दादी का एक सेल्फ रिस्पेक्ट जब मैं देखती थी कि किस स्वमान में दादी रहती है, और इसीलिए उनके अंदर जो एनर्जी होती थी, छोटे से छोटी बात में दादी इंटरेस्ट लेती थी, इतनी एज में भी वो इंटरेस्ट लेती थी। दादी जी के अंतिम दिनों की बात मैं आपको सुनाती हूं कि मुझे एक ऐसा वरदान मिला लास्ट में, शरीर छोड़ने से लगभग 15 दिन पहले की बात है, कि जब दादी मोस्टली आंखें बंद करके जैसे अपने अंदर की तपस्या में लीन होकर के बैठी होती थी, तो मैं जा रही थी लंदन। लंदन में ग्लोबल पीस कॉन्फ्रेंस थी गीता के ऊपर, तो उसमें मुझे सब्जेक्ट मिला था कि मुझे शांति पर बोलना है, पीस के ऊपर, गीता में वर्णित शांति की जो बातें हैं उसके ऊपर मुझे बोलना था। तो मैंने जाते समय दादी जी को सुनाया कि दादी मैं ऐसे जा रही हूँ, है ना, और वहाँ मुझे शांति पर बोलना है, तो आपका कोई संदेश हो तो उसी से मैं अपनी स्पीच आरंभ करूँगी, तो आप मुझे बताओ कि मैं क्या बोलूँ शांति के ऊपर। दादी ने आंखें खोल करके जैसे मैं सुना रही थी तो देख सुन रही थी, और मैंने जब कहा दादी आपका कोई संदेश हो तो बताओ, तो दादी ने बहुत अच्छी बात कही। दादी ने कहा आप जाकर कहना कि जीवन की आदि शांति है, बच्चा जब पैदा होता है सोया होता है तो सही, कितना शांति में बिल्कुल सोया होता है, फिर कहा जीवन की अंत शांति है, बिल्कुल रेस्टिंग इन पीस। तो बीच के समय में अशांत क्यों है, क्यों परेशान है, क्यों स्ट्रेस में है, टेंशन में है, सबको कहना जब जीवन की आदि शांति अंत शांति तो बीच के समय में भी शांति से गुजारे। ये दादी का संदेश था जो मैंने वहां जाकर अपनी स्पीच उसी से आरंभ किया, और फिर जब मैं जाने लगी, विदाई लेने लगी, तो दादी ने इतना प्यार से मुझे बुला करके मेरे चेहरे पर माथे पर ऐसे हाथ फिराकर कहा कि आज यज्ञ की नंबर 1 टीचर हो, स्पीकर हो। क्या बात है। और ये जो शब्द थे ना, मुझे ऐसे महसूस हुए कि उस समय जैसे दादी वरदान भी दे रही है और दादी नंबर 1 स्पीकर रही अपने उसमें, तो बिल्कुल दादी ने जाते जाते मुझे यही वरदान दे दिया कि यज्ञ की नंबर 1 स्पीकर हो। और आज भी मैं उस चीज को अपने दिल से लगा के रखती हूँ, जब भी मैं प्रोग्राम में जाती हूँ मैं वो दादी के शब्द याद रखती हूँ कि तुम नंबर 1 स्पीकर हो, तुम्हें बहुत अच्छा बोलना है। और ये एक मेरे लिए खाली वरदान की बात नहीं है, लेकिन जैसे मैंने उस बात को जीवन के अंदर समा लिया है। मानो दादी जी ने विल कर दिया, वो जो उन्होंने अपने जीवन में लिया था
एक समय में जो दादी जी का हम अनुभव सुनते हैं जी कि जब ब्रह्मा बाबा अंतिम समय में थे बिल्कुल अपना शरीर के, जी तो उस समय बाबा ने भी दादी जी को जैसे एक विल दे दिया था सब कुछ यज्ञ के संभालने के बाद, वो यथावत उन्होंने ये आगे भी भी जारी जारी रखा रखा और और जाने जाने से से पहले। पहले हाँ 15 दिन आगे। पहले की बात है, और मुझे वो सीन कभी भूलता नहीं है, कभी नहीं भूलता है। बहुत बहुत जैसे मेरे अंदर समा गया है वो चीज़। इन अनुभवों को सुन के मेरा बड़ा सौभाग्य, आफरीन करूंगा मैं खुद को, आफरीन आपको, आफरीन दादी जी को, कि जिन्होंने जो पाया ईश्वर से वो सारा का सारा जू का त्यों दे दिया, और आप आत्माओं ने भी वो उसी तरह ग्रहण करके अभी तक भी लोगों में उतने ही दिल से बांट रहे हैं, अपने जीवन को सफल कर रहे हैं। दादी जी की स्मृतियों के, जैसा मैं पहले भी कह रहा था कि समंदर में इतनी मौजें हैं, इतनी लहरें हैं, इतनी गहराई है, इतने उसमें रत्न हैं कि जितनी बार गहराई तक हम जा करके छलांग लगाएं, अनेक रत्न निकाल करके बाहर लाएंगे, अनेकों अनुभवों के साथ रहेंगे। आज की इस मुलाकात में इतना ही, दादी जी की स्मृतियों में हम फिर मिलेंगे एक और उनके साथी के साथ। धन्यवाद। ओम शांति।